वो तीनों रात ट्रैफिक के हालात देखे था भाई को और 5:33 हो गए और 55 रोजा खुलने 5:36 हो गए और अभी भी 33 किलोमीटर का रास्ता बाकी है हमारा रास्ता और इंशाल्लाह हमारा रोजा जो है ना वो लग रहा है रास्ते में खुल जाएगा इंशाल्लाह। गजूरा क्या सी ना पालो मगर मुश्किल है अभी भी अंत मजनून हाज़ नफर मजनून आधा नफर वैगन ड्राइवर ट्रैफिक हमारी खुल चुकी है लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त है 24 मिनट का रास्ता बाकी है और इस टाइम टाइम हो रहा है 5:38 आज भी 55 में खुला इधर बढ़ जाते 2 मिनट तो चलो जी 2 मिनट ऐड कर लो 56 पे खुले फिर भी लग रहा है रोजा हमारा रास्ता भी खुल जाएगा। हम पहुंच चुके हैं और रोजा भी खोल गया दाल हो गई भागो 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 वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमने सोचा था हमारी बाहर करेंगे इतनी बाहर की कि हम 90 किलोमीटर बाहर आ गए अपनी सिटी से ऐसे हलेंगे हम भी पहुंचे भाई और रास्ते भी कहीं ये शकील भाई के घर के सामने ये देखो जी तंबू लगा हुआ है हट खड़पैच बाबा जी बारबेक्यू सारा मैं उसको शकील साफ कराना है ये मैंने धुलवाया फिर भी बंदा है ये देखो जी नहीं ये नया बना रहा सारा मतलब कि यहां पे बारबेक्यू का पिट शिट सब लगा हुआ है दारू शारू चलती रही है ये देखो जी पूरा हट बना हुआ है छत के ऊपर यानी बिल्डिंग की छत के ऊपर हट बना हुआ है ये देखो ये बिल्डिंग की छत है और ये छत पे ये हट है आज का मेन्यू जी हमारे पास चाट मिक्स जूस हरी मिठाई पकौड़ियाँ पकौड़े तो हम लोग आए हैं जी अब केक में सिटी में शकील भाई के घर अफ्तारी करने के लिए आप पीछे देख सकते हैं जी उनकी बिल्डिंग ये उनकी बिल्डिंग है यहाँ पे वो रहते हैं तो हम सब लोगों ने कल प्लान बनाया कि भाई जी कुछ डिफरेंट करते हैं अफ्तारी में तो हम लोग जो है वो अपने घर से छोड़ के उनके घर में अफ्तारी करने के लिए आ गए तो तकरीबन अब केक हमारी सिटी से 90 किलोमीटर दूर है 90 किलोमीटर का रास्ता हम तय करके आए आपने देखा ही होगा पीछे कैसी ट्रैफिक थी वगैरह वगैरह तो अभी आपको चल के दिखाते हैं शकील भाई का घर भी तब तो जल्दी भी थे अफ्तारी की तब मैं गाड़ी में चार्जर लेने आया हूँ तो आपको चल के उनके घर का टूर भी कराते हैं। छत वाला कमरा पाइंदा है छत वाला फ्लैट पाइंदा है देखो तो ये टीवी लॉन्च के साथ ही किचन मौजूद है और किचन में ड्रेसिंग टेबल भी लगी हुई है। हेलो उधर वेख के क्या आज बन रहा है जी मटन कढ़ाइयाँ तो ये भाई अपने काके के साथ लगे हुए हैं एज यूजुअल
ये किचन के अंदर शकील भाई का लॉन्ड्री रूम है, इतने कपड़े धो सकते हो तुम, गीजर लगा हुआ है, लाइट भी नजर आ गए रोशन लॉन्ड्री रूम और किचन के सामने बेडरूम, और उस बेडरूम के अंदर एक और बेडरूम, ये देखे जी कोई नहीं का कमरे चले गए, एसी चल रहा है, इस कमरे के और अंदर आए तो इधर ये छोटा सा ड्रेसिंग एरिया, और इधर बाथरूम, बाथरूम में दिखा नहीं सकता, ये जी ये बेडरूम, ये भी बेडरूम हमारे बच्चों का, ये टीवी लाउंज, ये किचन, और ये इधर है जी डाइनिंग रूम, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा घर है, डाइनिंग रूम में भी ड्रेसिंग टेबल मौजूद है, सुर्खी पाउडर मौजूद है, टेबल और अलमारी भी मौजूद है डाइनिंग रूम में, ऑन बोर्ड इसमें क्या डाला आपने, इसमें जी स्पेशल मोहब्बत ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਾਮ ਪਾਏ ਨੇ, ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਚਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਯੇ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਾਊਦੀ ਮਿਠਾਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਹਮਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ, ਅਰੇ ਜੈ ਮਿੱਠਾ ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਸ਼ੀਰਾ, ਤੋ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣੇ, ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਹਾਈਵੇ ਤੱਕ ਪੰਪ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਹਾਂ ਸੇ रोटियाँ लेंगे, राकेश बबुआ के लिए वेज सालन लेंगे, जिंदगी पहली बार सुने जी चिकन बाल्टी ते मटन बाल्टी, ये क्यों होता है इसको भी पता है, कमेंट्स में बताए। तो जी ये पेट्रोल स्टेशन है जहाँ पे है ये रेस्टोरेंट हबकेक में, ये रहा रेस्टोरेंट हबकेक रेस्टोरेंट, और यहाँ आपका भाई दूध पत्ती पी रहा है रेस्टोरेंट से लिया, मज़ेदार स्वादिष्ट, मेरे मतलब था मीठा। तो आज के मेन्यू में है जी मटन की कोरमा कढ़ाई, मटन कोरमा मेड बाय शकील भाई के कुंवारे हाथों से, शकील भाई के कुंवारे हाथों से बना जी कोरमा, और साथ में है जी दाल चना रेस्टोरेंट की। ओ भाई ये आपकी दाल आ गई है, दाल में देखो पूरा पूरा छोला डाला है, दाल में से पूरा पूरा छोला डाला, वेज डे सैड डे, तो जी शकील भाई के घर से हमने खाना बड़े खा के गोशे वोशे खा के कोरमा खा के अब निकल रहे हैं, और तू की लग रहा है गड्डी की रखी यार, डिग्गी खोल, अच्छा मैं ही खोल, सॉरी सॉरी, बाकी टीम भी यहाँ पे मौजूद है हमारी, मुझे निकल के हम रास्ते में रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, मिस्टर खरक रेस्टोरेंट, खरक बुफिया ओके रोटी क्या तो पेंट है, नहीं नहीं
महंगा लड़के ब्रांड टैट वापस आ चुके हैं अब केक से तैयारी करके शकील भाई के घर से, और दुकान से जो है हमने अपनी सैरी का जो है वो बंदोबस्त कर लिया था, जो मैंने आपको दिखाई दी वो चाय की दुकान, वहाँ से हम ये सैंडविच लेके आए हैं। ये इनके सैंडविच जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, मशहूर का तो पता नहीं, वहाँ सिटी में बहुत मशहूर है लेकिन बाकी जगह का पता नहीं। तो ये होता है जी, ऐसे होता है फ्रेंच टोस्ट, देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रेंच टोस्ट होता है टोस्ट, और इसके बीच में जो है ये क्रीम चीज़ और ऑमलेट लगाया होता है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा इसमें क्रीम चीज़ लगी हुई है, ठीक है, और साथ में ये फ्राइड एग के पता नहीं ऑमलेट होता है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा। तो ये सैंडविच जो बहुत अच्छे होते हैं, तो इसे हम अपनी सैरी करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।